एस साहब पी एम एल एन को आपने जो वक्त पी एम एल एन नहीं थी खाली पी एम एल थी आपने उस वक्त ज्वाइन किया जब एटी uh, एट का ज़माना था आई आई के इलेक्शन हो रहे थे मैरान गेट स्कैंडल चल रहा है वगैरह वगैरह उसमें मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहा उसके लिए और बहुत सारे टॉक शोज हैं बट इट्स इंटरेस्टिंग कि यू जॉइन अराउंड दैट टाइम बिकॉज एक uh, इंटरेस्टिंग सा इंटरव्यू हुआ है मियाँ साहब ने दिया है इस बुक के ऑथर को क्रॉस सोर्ड्स ये शुजा नवाज़ साहब हैं वाशिंगटन में होते हैं अटलांटिक काउंसिल में डायरेक्टर हैं उनको दिया है और बात की है आईजीआई आई के बनने पर और इंटरेस्टिंग सी बात है It was the need of the hour that all the critical forces get together and fight elections jointly. And we, of course, were keen that we join hands with other like minded parties and forge an alliance. So that I was forced because of this desire on all sides to join the IJI, etc. etc. Kerein kiji, the need of the hour, manne join karliya. Jo is interview ka, according to this author, his sahe ISI ki support thi, General Hamid Gul, General Islam Beg इसाक खान आ, मेरान गेट पता नहीं थ्री पॉइंट फाइव मिलियन रुपीज वगैरह वो उसकी बात उन्होंने नहीं की मगर एडमिट किया है जाए बड़ी अच्छी चीज़ थी ऐसी चीज़ इससे पहले याद ही नहीं हुई थी इट वॉज ए दैट टाइम एकदम uh, वैक्यूम था उसमें तमाम एंटाई पीपल्स पार्टी फोर्सेज जो हैं, वो है वह एक प्लेटफॉर्म पर आई एन इट मेड लॉट ऑफ पोलिटिकल सेंस ठीक है जनरल जावेद नासिर डी जी आई डी जी आई एस आई चूज़ किए गए थे मियाँ ही वॉज हैंड पे बाई मियाँ साहब आई जनरल जावेद नासिर डी जी आए उन्होंने इस वह को बताया है और यह कहते हैं कि द दिलिफ्रेशन इशू वॉज कंसर्न टू पाकिस्तान इट सेल्फ ये नाइन्टीज की बात है ए क्यू खान की बात अब मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर इशू जो हमारे अहर से हैं इवन एज अर्ली एज द फर्स्ट टर्म ऑफ नवाज शरीफ हे इज आई एस आई चीफ जनरल नासिर Uh, says that says General Nasser Baat mm -hmm. that had reported to the Prime Minister about the suspicious and money making activities of Dr. Abdul Qadir Khan, the head of the Iranian en en enrichment. Nasser says he compiled a dossier of 23 properties owned by AQ Khan in and around Islamabad and presented the list to Nawaz Sharif. But Sharif ignored the issue and refused to take any action against the man. Khan complained to the President about Nasser's action.

और दस साल बाद जो होना था आपके सामने है। आज तक पाकिस्तान उस चीज की कीमत अदा कर रहे हैं क्वेश्चन देखिए बात यह है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था इसकी आपको पता है कि जो एक सुपरविजन थी और जिसकी ऑपरेशनल लॉजिस्टिक्स थे ये वो मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलकर कर रहे थे और उस वक्त अगर किसी जिस क्रिटिकल स्टेज के ऊपर हम थे अगर ये भी कोई पॉलिटिकल गवर्नमेंट ओनर्स नहीं ले सकती थी कि भी यह कहा जाए कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम इनकी वजह से डिसरप्ट हो गया ठीक है ना जो उसकी सुपरविजन थी उसमें रखा गया और चेक्स और बैलेंसेस रखे हुए थे और इसके ऊपर जितनी भी एहतियात की ज़रूरत थी जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है कर सकती है वो करती थी और इसी वजह से आपने देखा कि पाकिस्तान को ट्वेंटी एट में नाइनटीन एट में जो एक हमने न्यूक्लियर पावर बने अगर हमारी गवर्नमेंट उस वक्त ना होती मैं आपको बताऊँ वजाहत आज आप ईरान का हाल देख लीजिए आज आप लेबिया का हाल देख लीजिए आपको किसी ने एक न्यूक्लियर पटाखा भी चला रखने की जरूरत दूसरी की। की बात नहीं कर रहा मैं समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट के दौरान कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ मैं उस जिस की जिस बात नहीं, नहीं कर रहा जिसने और, और आपको ये आट्मे भी ऑन रिकॉर्ड मैं आपको बताऊं ये भी ऑन रिकॉर्ड है कि नवाज शरीफ साहब को ये चीजें भी रिपोर्टेड हैं कि ऑफर की गई कि एक दोस्त मुल्क को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम दे के बहुत पैसे ले सकते हैं और नवाज शरीफ साहब पोर्ट इज फोट डाउन कि हम प्रोफेसर ने मार्केटिंग में डिग्री की थी वॉटन से या स्पेन में की थी सवाल सिंपल सा है जनरल जावेद नासिर फॉर्मर डीजीआईएसआई ऑन द रिकॉर्ड

नहीं किया दैट्स दिस इज द आंसर सर दैट्स नॉट दिस इज माय आंसर कि वी हैव वी आर ऑन रिकॉर्ड कि हमने प्रोलिफरेशन को चेक किया है नहीं होने दिया है Sir, इससे ज्यादा क्या सबूत होगा फॉर द रिकॉर्ड वंस अगेन सवाल ये है कि जब 10 साल बिफोर द स्कैंडल ब्लू अप एंड बिकेम अ स्कैंडल 10 साल पहले आपका डीजीआईएसआई के आपको कह रहा है कि ये पोर्टफोलियो है ये डॉसियर है ये सस्पिशियस एक्टिविटी है आपके प्राइम मिनिस्टर ने उस जमाने के प्राइम मिनिस्टर ने नवाज शरीफ उसका नाम था कुछ नहीं किया नहीं नहीं उन्होंने उसके ऊपर एक्शन लिया होगा और हो सकता है कि उनको ये रिपोर्ट आई होगी दर इज नथिंग नॉन्ग विद इट चलें हो सकता है एनी मूविंग ऑन क्विक मुझे जरा सा रिएक्शन अब चाहिए टाइम uh, हमारे पास कम है थैंक यू फॉर द आंसर सोफा अर्ली इलेक्शंस की बात करते हैं बात हो रही है अक्टूबर की फॉल्स वोटर लिस्ट्स Uh, जो हैं वो एक मसला बनी हुई है ये मुझे बताएं रियलिस्टिकली uh, मैं एक वोटर हूँ ठीक है मेरा नाम वजात खान है, है फ़र्ज़ करें मैं नारोवाल में आपकी कंस्टिट्युंसी का वोटर हूँ मैं कहता हूँ सर जी वोट तो मैं दे दूँगा मुझे आप ये बताएं कि आप हुकूमत कैसे चलाएंगे आप पार्टीज़ की कोलेशन कैसे बनाएंगे आपको कोई मुंह नहीं लगाता पीटीआई से आपकी लड़ाई है जमाती आपसे बात नहीं कर रहे ए वाले आपको वटे मारे हैं पिशावर में घुसने नहीं दे रहे एम तो को अलग ही बचाए आपको और उनसे एंड एक बार आप तो मुझे, मुझे गेम प्लान ये आप जो 97 के अंदर था सेवन में भी लोग हमें यही ताने देते थे कि हम आइसोलेटेड हैं हम किसी के साथ अलायंस में नहीं है हमारा एक्सपीरियंस ये पॉलिटिक्स नॉट सर्व पाकिस्तान इस वक्त एक और हंग पार्लियामेंट अफोर्ड नहीं कर सकता अगर पाकिस्तान में एक और हंग पार्लियामेंट आई तो इट विल बी अ डिजास्टर क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं दे रिक्वायर सम हार्ड डिसीजंस एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट ही वो फैसले कर सकती है इसलिए इलेक्शन के अंदर हम पाकिस्तान के अवाम के पास जाएंगे अपने मैनिफेस्टो के साथ अपने ट्रैक रिकॉर्ड के साथ चूंकि इस मुल्क के अंदर आज वजाहत जो भी मॉडर्न इकॉनमी एक, एक, की कोई सिंबल है चाहे वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं चाहे वो मोटरवेज हैं चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर है चाहे वो एयरपोर्ट्स हैं चाहे वो फाइबर ऑप्टिक है वो सब उन्हीं दो दो सालों के अंदर हुआ जो हमें मिले चाहे वो विजन 2010 था जो एक प्रोग्रेसिव लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव प्लान था पाकिस्तान को नॉलेज इकोनॉमी बनाने का लिहाजा सेलमी सेल मी एज अ वोटर आप हुत कैसे बनाएंगे नो बड़ी वॉच आइसोलेटेड कोने में खड़े आइसोलेटेड नहीं खड़े इंशाला यू विल सी कि हमारा जो इकोनॉमिक प्रोग्राम है और जो हमारे ऊपर लोगों का एतमाद है चूंकि हम समझते हैं कि पाकिस्तान का नंबर वन प्रॉब्लम पाकिस्तान की मैशत है ठीक है हमारी मीशत मजबूत होगी हमारी खुद मुख्तारी हो होगी हमारी गुर्बत खत्म होगी रोजगार होगा उसके लिए हमारे जो प्रोग्राम के साथ लोग होंगे लोकल एडजस्टमेंट करेंगे जहां पर भी कहीं मुमकिन होगा तो नाइनटी सेवन में भी वी कंटेस्टेड ऑन पी एम एल एन प्लेटफॉर्म वी मेड सम लोकल एडजस्टमेंट एंड टू थर्ड ठीक है छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मगर आपको ऑलरेडी टीज कर देता हूँ अगला सवाल क्या है वट है ये जो आपका सो so कॉल बड़ा सा कैंपेन था ब्रेक के बाद वापस हाजिर होते हैं